वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का मेरा ये लुक मैंने क्रिएट किया है ओलिविया पैनकेक से। और अगर आप अफोर्डेबल रेंज में फाउंडेशन देख रहे हो ना, तो मतलब अमेजिंग ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग ऑप्शन है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं मैंने कैसे क्रिएट किया है ओलिविया पैनकेक से ये लुक। लेट्स गो। फर्स्ट स्टेप है, स्किन को अच्छे से करेंगे मॉइस्चराइज। उसके बाद प्राइमर मैंने लिया है ब्रांड कलरबार से, ब्लग परफेक्ट प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइमर है। उसके बाद मैंने लिया है ओलिविया का पैनकेक और एक हाथ में लिया है ओलिविया का कंसीलर। तो इसको लगाने का तरीका सही यही होता है कि ये, क्योंकि ये ड्राई है, पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको मैंने हल्का सा स्क्रैच कर लिया है और उसको मैं अपने हाथ पे ले लूँगी। और उसके बाद मैं कंसीलर से थोड़ा अमाउंट में लेके अपने पाम पे उसको भी मिक्स करूँगी सेम उसमें पाउडर में। उसके बाद मैं, क्योंकि ये ड्राई थोड़ा सा स्मूथ उसको बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। इसमें आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, तो जो चीज़ अवेलेबल रहती है सबके पास, तो मैंने मॉइस्चराइज़र को यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 ड्रॉप्स डाल लिया है हाइलाइटर का, जो कि है लिक्विड हाइलाइटर। ये थोड़ा येलो टोन पे है और इसमें कई शेड्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से शेड्स ले सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप यू नो अफोर्डेबल रेंज में देख रहे हो फाउंडेशन, बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अगर आपने सही फॉर्म में इसको मिक्स किया है तो काफ़ी अच्छा कवरेज आपको देगा। उसके बाद मैंने, क्योंकि थोड़ा सा येलो टोन है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक अच्छा सा कंसीलर, क्योंकि कंसीलर थोड़ा सा यू नो लाइट टोन पर होता है फाउंडेशन से, तो इसको अप्लाई कर लेंगे तो एक अपना स्किन बहुत अच्छा शेड आ जाएगा। तो अच्छे से मैं कर लूँगी इसको ब्लेंड। बहुत ही अच्छा कवरेज देता है ये। तो मैं कंसीलर को अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट लिया है मेबेलिन न्यूयॉर्क से और मैं इसे अच्छे से कर लूँगी सेट। उसके बाद मैं अपनी ब्राउज को करूँगी फिल। आप चाहे तो आई मेकअप पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आई मेकअप बेस के बाद किया है, फाउंडेशन के बाद किया है, सॉरी। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर मैंने आई के मेकअप में क्रीज लाइन पर सबसे पहले यूज़ किया है ब्राउन कलर। जो ट्रांजिशन कलर मैंने लिया है वो है लिया है ब्राउन कलर, सॉरी। आई मेकअप बहुत ही सिंपल है। उसके बाद मैंने डार्क थोड़ा मरूनिश कलर लिया है, जो कि मैं अपने लिड पे उसको डार्क कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ पर ज़्यादा डार्क करना है, तो मैं जब तक अप्लाई कर रही हूँ जब तक मेरा डिज़ायर कलर नहीं आ जाता। तो क्योंकि ये डार्क हो गया, अब मैं यहाँ पर लोअर लैश लाइन पर भी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ सेम मरून कलर। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही इजी मेकअप है, आई मेकअप है। उसके बाद मैंने इन कलर का आईलाइनर लिया है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्लिटर लाइनर लगाना था गोल्डन कलर का, तो क्योंकि अगर आप इसको अप्लाई करने के बाद अगर आपको लाइट लग रहा है, तो आप इसको एक जो ग्लिटर होता है उसमें आप इसको डिप करके भी अप्लाई कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो ग्लिटर होगा वो बहुत ज़्यादा यू नो डार्क लाइनर आएगा, ग्लिटर आईलाइनर। तो ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। ये आपको इन कलर ब्रांड का मिल जाएगा नायका पे। तो अच्छे से मैं एक ग्लिटर लाइनर का एक विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है इनर कॉर्नर के साइड पे। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। लोअर लैश लाइन पे मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
उससे आईज भी थोड़ी सी इनहांस दिखती है। उसके बाद मैं अपनी ब्राउ बोन को भी कर लूँगी हाईलाइट। उसके बाद मैंने NYBA का करेक्टर पैलेट लिया, जिसमें से मैंने डार्क शेड्स, एक कॉन्टोर, एक इसमें ब्राउन कलर भी अवेलेबल है जिससे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। मैं अच्छे से अप्लाई करके उसको कर लूँगी ब्लेंड। कॉन्टोरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टोरिंग के बाद फेस एक बहुत ही अलग सा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और अगर ऑलरेडी आपका शार्प है फेस तो फिर कॉन्टोरिंग की कम आपको ज़रूरत पड़ती है। मगर अगर आप थोड़े से भी हेल्दी हो तो कॉन्टोरिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। यहाँ पर मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन से ब्लशर पैलेट, जिसमें से मैंने एक पिंक सा शेड पिक किया है ब्लशर के लिए। ये बहुत ही अच्छा शाइनी पैलेट है। उसके बाद हाइलाइटर मैंने लिया है मी नाउ ब्रांड से, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट हाइलाइटर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शाइनी हाइलाइटर है, तो मैं इसको एक फैन ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही शाइनी फेस, बहुत शाइन कर रहा है। उसके बाद लिपस्टिक मैंने दो लगाई हुई हैं, दो मिक्स करके। एक तो मैंने लैकमे की यूज़ करी है, थोड़ा सा डार्क शेड है जो कि मैंने लगाई। यहाँ पर मुझे डार्क शेड चाहिए था, और उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी स्विस ब्यूटी की रेड कलर, जो कि थोड़ा सा लाइट शेड है। तो जो मिक्स होकर जो कलर आया था ना, वो बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा कलर आया था। जो मैं कलर चाह रही थी वो एक्चुअल कलर आया था। उसके बाद फिक्सर से कर लेंगे अपने मेकअप को सेट। तो ये था मेरा फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।